निगम में भले ही 25 साल बाद कांग्रेस के बोर्ड का गठन हुआ हो, लेकिन नई कार को लेकर मेयर साहब की बेकरारी हर बार देखने को मिलती है। 20 दिसंबर को बोर्ड की पहली बैठक होनी है, लेकिन इस बैठक में विकास की रूपरेखा के प्रस्ताव के अलावा जो सबसे अधिक चर्चा में है वो है मेयर के लिए नई गाड़ी खरीदने का प्रस्ताव। देखिए ये रिपोर्ट। ये भरतपुर नगर निगम का दफ्तर है, इसे शहर की सरकार का सचिवालय भी कह सकते हैं, क्योंकि नगर निगम के तहत आने वाले शहर के विकास की नीति और पैमाना यहीं से तय होता है। हाल ही में नगर निगम के चुनाव में भरतपुर नगर निगम के मेयर भी चुन लिए गए। अब शहर के लोगों को उम्मीद है कि मेयर साहब विकास की गति को तेज करेंगे। लेकिन रुकिए, मेयर साहब को विकास से ज्यादा चिंता कार की है। यानी नए मेयर साहब आए हैं तो नई कार भी चाहिए, क्योंकि हर 5 साल में 10 लाख की गाड़ी खराब हो जाती है। नई गाड़ी को लेकर पहले भी विवाद हो चुके हैं। अब पुरानी गाड़ी 1,80,000 किलोमीटर से ज्यादा चल चुकी है। पुरानी गाड़ी से चलना मेयर साहब की शान में गुस्ताखी होगी, लिहाजा विकास जाए भाड़ में, पहले मेयर साहब को तो चाहिए नई गाड़ी। इस बोर्ड बैठक में सबसे पहले जो बिंदु रखा गया है, जो एजेंडा रखा गया है, वो है कि नए मेयर साहब के लिए पूर्व की तरह इस बार भी एक नई गाड़ी खरीदी जाएगी, जो पहला एजेंडा इसमें रखा गया है। बड़ा सवाल यह है कि हर 5 साल में क्यों निगम इतना राशि नई गाड़ी खरीदने पर खर्च करता है। पूर्व में भी इस तरह की गाड़ी खरीदी गई थी, जो 10 लाख की गाड़ी पूर्व के जो मेयर थे शिव सिंह भोट, उनके लिए खरीदी गई थी, जिस पर जो कि 1,80,000 से ज्यादा किलोमीटर चल चुकी है। अब मेयर के नए चुने जाने के बाद में निगम प्रशासन उनको खुश करने के लिए फिर से एक नई गाड़ी खरीदने की कवायद कर रहा है। भरतपुर नगर निगम के नए बोर्ड की पहली बैठक 20 दिसंबर को होने जा रही है। पहली बैठक के एजेंडे में 32 प्रस्ताव शामिल किए गए हैं, लेकिन नई गाड़ी का प्रस्ताव सबसे टॉप पर है। इसके अलावा बैठक में जिन अहम प्रस्तावों को शामिल किया गया है उसमें नगर निगम को पेपरलेस कार्यालय बनाने पर विचार, वार्ड में सफाई कर्मचारी, सैनिटरी इंस्पेक्टर्स और अधिकारियों की समय पर उपस्थिति के लिए बायोमेट्रिक मशीन पर विचार, निगम की संपत्तियों को चिन्हित करने के लिए पटवारियों की नियुक्ति करने पर विचार, ग्रीन भरतपुर क्लीन भरतपुर के प्रति नागरिकों को जागरूक करने के लिए हाफ मैराथन, भरतपुर चौपाटी और नाइट मार्केट विकसित करने पर विचार, डंपिंग साइट पर पड़े कचरे के निस्तारण पर विचार, नगर विकास न्यास से रिक्त भूखंडों की नीलामी पर विचार। नगर निगम की पहली बैठक इसी 20 तारीख को होने जा रही है, जिसमें 32 पॉइंट एजेंडे में शामिल किए गए हैं। मैं समझता हूं कि 32 पॉइंट ऐसे हैं कि जिन पर हमें 5 साल मजबूती के साथ कार्य करना है। ये 32 पॉइंट कार्य योजना के बिंदु हैं, जो 5 साल नगर निगम जिन बिंदुओं पर कार्य करेगा। नगर निगम की पहली बोर्ड की बैठक में तीनों मंत्रियों को भी बुलाने की कोशिश की जा रही है। भरतपुर नगर निगम में 25 साल के बाद कांग्रेस का बोर्ड गठित हुआ है। अब देखना होगा कि नई शहरी सरकार शहर के आधारभूत ढांचे को विकसित करने के लिए कितना काम कर पाती है।